गाइस हमारा साथ है एमबीए बिजनेस एनालिटिक तिवारी। वो बोलेगा एनालिटिक के बारे में, वो बोलेगा कैसे प्लेसमेंट है वहाँ पर, मतलब कितना कोर्स फ्री रहता है और हॉस्टल फैसिलिटी कैसा है एंड आपका मतलब कितना हमारा स्टूडेंट वहाँ पर स्टेक रहता है। अब बोलिए। हेलो एवरीवन, तो एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स जो कोर्स है इसके लिए पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एग्ज़ाम लिया करती थी, जो कि अब सीयू सीट के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो उसके लिए पहले ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होता है और उसके बाद से शॉर्टलिस्ट होने के बाद से एडमिशन के लिए जीडी और पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो जीडी के लिए हमारा जो 2022 बैच था, तो दैट वाज अ कोविड पीरियड, तो उस टाइम पे जीडी कंडक्ट नहीं हुआ था, केवल पर्सनल इंटरव्यूज़ हुए थे। और उसके बाद से जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था दैट वाज अराउंड 32 to 35 पीपल। तो उसके लिए पहले अगर इस बार जीडी होती है तो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गई, तो दीज आर द टॉपिक्स विच माइट बी आस्क इन द जीडी। और पर्सनल इंटरव्यूज के लिए पहले आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू? या तो पर्सनल इंटरव्यू में जैसे मैंने बोला, जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड क्या रहा है, जैसे अगर आपने बीटेक किया हुआ है, बीटेक में अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, तो जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आफ्टर डूइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, व्हाट डू यू वांट टू डू दिस पर्टिकुलर कोर्स, व्हाट डू यू वांट टू बी अ बिजनेस एनालिस्ट, व्हाट डू यू वांट टू दिस स्पेशलाइजेशन कोर्स, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और या फिर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो इंटरव्यू में आपको पर्सनल इंटरव्यूज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिक से रिलेटेड, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। और आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए भी पर्टिकुलरली सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि आफ्टर हैविंग आर्ट्स बैकग्राउंड व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू सच एनालिटिकल कोर्स व्हिच डिमांड्स पर्टिकुलरली साइंटिफिक अप्रोच एंड विच इज टोटली बेस्ड ऑन एनालिटिक्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अरे बताइए, हमारा तो वो तो हो गया, बट कोर्स भी कितना रहता है? कोर्स भी सपोज एक स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते फर्स्ट सेमेस्टर में कितना रहता है, सेमेस्टर वाइज कितना कितना कोर्स फी रहता है? तो कोर्स फी मेरे टाइम पे दैट वॉज अराउंड 4,75,000 फॉर 4 सेमेस्टर्स। लाइक पहले सेमेस्टर में वी हैव टू पे 1,25,000 or 23,000 एंड देन वो वेरिएट होते रहता है। जैसे आपको सेकेंड सेमेस्टर में यू विल हैव टू पे लाइक 1,16,000 और अराउंड 1,18,000, सो इट वेरीज। तो ये सेमेस्टर वाइज वेरी करता है जो फी स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 4,50,000 to 5,00,000 के बीच में होता है टोटल फी जो कोर्स है। एंड हॉस्टल का फैसिलिटी कैसा रहता है, हॉस्टल मतलब कितना चार्ज लेता है? हॉस्टल का चार्ज ज़्यादा नहीं है एज़ पर कंपेयर टू द कोर्स फी, क्योंकि हॉस्टल का चार्ज डैट इज जनरल टू एवरीवन। वो एनालिटिक्स फील्ड एनालिटिक्स कोर्स में हो या फिर एमबीए जनरल हो या फिर कोई भी कोर्स में हो, हॉस्टल चार्ज इज सेम फॉर एवरी स्टूडेंट्स। तो वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एक जनरल चार्ज जो है हॉस्टल का 500 या 1,000 ऐसा होता है पर सेमेस्टर। एंड हम बात करेगा फाइनल बात वो है प्लेसमेंट का, सपोज यहाँ पर लोग प्लेसमेंट करके नहीं तो पकौड़ा नहीं चलेगा, तो जो भी जॉब करेगा लाइक कितना लाख मतलब कितना पैकेज एवरेज रहता है और हाईएस्ट पैकेज कितना रहता है इसके पैकेज के?
पहले तो प्लेसमेंट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके लिए फैकल्टीज़ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही अपना जो इंटरपर्सनल स्किल है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है हमें, या प्लेसमेंट अगर हमें लेना है तो। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी जब इस कोर्स में इनरोल हुआ था, आई वॉज ऑल्सो नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन प्लेसमेंट। तो उसके लिए आपको चाहिए कि पहले तो यू मस्ट हैव अ डेफिनेट गोल कि मुझे करना क्या है। अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू वर्क। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल ठीक करना होगा, उसके लिए आपको जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, अगर आप एनालिटिक्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से एनालिटिकल टूल्स जो है, लाइक पावर बीआई हो गया विजुअलाइजेशन के लिए, टैबलू हो गया, वो आना चाहिए। और उसके बाद से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट पाइथन या आर हो गया, इसमें से कुछ आपको, यू मस्ट हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट दिस टू पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और यू ऑल्सो नीड टू हैव ए स्टैटिस्टिक्स नॉलेज एज पर आई थिंक। और उसके बाद से आपको यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, लाइक नॉट दैट हार्ड, लेकिन आपको कांस्टेंट एफर्ट देने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड तुम्हारा बैच का हाईएस्ट पैकेज कितना था और एवरेज पैकेज कितना है और लोएस्ट पैकेज कितना है? मेरे बैच का हाईएस्ट पैकेज इट वाज अराउंड आई थिंक 9 or 9 point lakh पर एनम, और एवरेज पैकेज दैट इज़ अराउंड 6 lakhs पर एनम। सो ओवरऑल वी कैन टेक 6.5 or 7 lakhs एज मीन पैकेज। एंड क्लास क्या कंपलसरी रहता है? 75% जो रहता है कंपलसरी होता है क्या? ड्यूरिंग कोविड पीरियड ऐसा कंपलसरी नहीं था, लेकिन कोविड के बाद से जब से ऑफलाइन क्लासेस चलनी शुरू हुई हैं तो आपको क्लास करने की ज़रूरत है, और क्लास करना चाहिए भी, क्योंकि एनालिटिक्स में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लास में जाके यू नीड टू हैव अ वन टू वन इंट्रैक्शन विद द फैकल्टीज। तो मुझे लगता है कि क्लासेस करने की ज़रूरत है आपको, अगर इफ़ यू वांट टू गेन अ बेटर नॉलेज इन एनालिटिक्स तो आपको क्लासेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर लाइक कौन सा अच्छा फैकल्टी है? दो चार मतलब सबसे वेल नोन फैकल्टी का नाम बता दो। वैसा कोई नहीं है कि फैकल्टीज कोई ख़राब या कोई बुरा है। द फर्स्ट थिंग इज़ वी नीड टू गेट इन टच विद आवर टीचर्स, आवर गुरु। लाइक अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इफ़ आर गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम तो वी नीड टू टेल देम लाइक वाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू वी हैव, और हमें जाके इंटरेक्ट करना होगा, क्योंकि दे आर प्रोफेसर्स, दे डू नॉट हैव डैट मच टाइम, उनको और भी चीज़ें करनी होती हैं, तो उसके लिए चाहिए कि हमें भी अपने तरफ से एफर्ट करना होगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले तो खुद का एफर्ट लगाना होगा, और फैकल्टी सारे अच्छी हैं एनालिटिक्स में, मतलब जो पर्टिकुलरली एमबीए में फैकल्टी हैं, मैनेजमेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में सारी फैकल्टीज ठीक है, तो उसके लिए वैसा कोई नहीं है। बस आपको एफर्ट की ज़रूरत है, आपको पढ़ाई करना होगा और आपको खुद का स्किल डेवलप करना होगा, और वन टू वन इंटरेक्शन करना होगा अपने टीचर्स के साथ। और स्कॉलरशिप का क्या? स्कॉलरशिप कुछ मिलता है क्या? स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, एनालिटिक्स में भी फी वेविंग प्रोसेस है, लाइक एक तो तेलंगाना स्टेट का है, तो उसके लिए देर आर सम रूल्स एंड ये कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी समथिंग है वैसा कुछ करके, तो आपको उस रूल के थ्रू होके जाना होगा प्रोसेस के थ्रू, और आपका फी वेव हो सकता है। और दूसरा, एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, तो दिस टू थिंग्स आर बीइंग ग्रांटेड, वन बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, एंड अदर इज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड। मतलब आउटसाइड जो तेलंगाना स्टूडेंट है लाइक बिहार उड़ीसा, हमारा उड़ीसा तो देता है कुछ 24,000 अराउंड देता है ईयरली, जैसे लाइक तुम्हारा बिहार का स्टेट कितना देता है? वो स्टेट वाइज डिपेंड करता है, लाइक एजुकेशन लोन कोई स्टेट कितना दे सकती है कि स्टूडेंट को, लाइक बिहार में 4 लाख तक मैक्सिमम
एजुकेशन लोन का दे दिया जा सकता है वो स्टेट वाइज है, उसका कोई पर्टिकुलर ये नहीं है। फर्स्ट वी नीड टू गो थ्रू ऑल द प्रोसीजर्स, हमें अपने स्टेट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए पास जाना होगा एंड वील हैव टू सो देम द सर्टिफिकेट दैट वी हैव टेकन एडमिशन हियर इन HCU और उसके बाद से लोन विल बी गिवन टू अस। थैंक यू सो मच सीजियस, आप इतना टाइम दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुजीत, थैंक यू सुजीत पर आ रही। बाय।